कैश में पेमेंट किया था। अंत में सिर्फ 8 purchases ने ही पुलिस को कांटेक्ट किया। फिर पुलिस ने पता लगा लिया कि जिस बॉक्स में उस लड़के की डेड बॉडी मिली थी, उस बॉक्स को अपर डार्बी में शिप किया गया था। पर उसके कुछ ही टाइम बाद फिलाडेल्फिया के डिटेक्टिव टॉम ऑगस्टिन ने इस केस पर काम किया। डिटेक्टिव टॉम अर्थर निकोलेटी से मिलने जाते हैं। डिटेक्टिव टॉम के हिसाब से शायद निकोलेटी की वाइफ एना मारिया शायद उस बच्चे की माँ है, और निकोलेटी की वाइफ एना मारिया निकोलेटी की स्टेप डॉटर भी है। एना मारिया ने डिटेक्टिव टॉम को ये बताया था कि उनका एक बेटा भी है जो कि मर चुका है, क्योंकि एना का बच्चा किसी स्टोर के बाहर निकल राइट पे था और उसे शॉक लगा, जिससे एना मारिया का बच्चा नहीं रहा और एना के पास मोर के रेकॉर्ड्स भी थे। सिनसिनाटी के रहने वाले एक साइकेट्रिस्ट ने डिटेक्टिव टॉम को कांटेक्ट किया और उस साइकेट्रिस्ट ने अपनी एक पेशेंट मार्था के बारे में बताया। मार्था ने पुलिस को बताया कि मार्था की माँ को एक एनवलप मिला था जिसके साथ एक बच्चा भी था। मार्था ने पुलिस को ये भी बताया कि मार्था की माँ उसे सेक्सुअली अब्यूज करती थी और ये सब वो उस लड़के के साथ भी करना चाहती थी, और मार्था की माँ उस बच्चे को बहुत मारा करती थी। पर मार्था जिस बच्चे के बारे में बात कर रही थी, उस बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चला। आज भी इस बच्चे की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। अमेरिका में इस बच्चे को अननोन चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। गाइज, आई होप आपको मेरी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का सेकंड एपिसोड बहुत पसंद आया हो। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या फिर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड ऑल्सो गाइज, क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर चैनल द ब्लू एंड गोल्ड।